हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाम माँ भगवती की कृपा से जी हर एक कार्य सिद्ध हो जाता है और माँ की पूजा रात्रि में बड़ा फल देने वाली है। माँ शक्ति की कृपा से सब बिगड़े काम बन जाते हैं। दुश्मन भी मित्र बनने की कोशिश करते हैं कि हमारी दुश्मनी तो बहुत निभगी है, अब तो हमको मित्र बन के ही फायदा है, क्योंकि ये माँ में ऐसी शक्ति है कि इसका रिजल्ट आज तक खाली नहीं गया है। जब जब हमने गोली में कुछ मसाला पाया ना, तब तक ठाद की बोली है। और ये माँ ही ऐसी है कि जैसे यहाँ से चलेगी वहाँ से धुआँ कढ़ना शुरू कर देगी। तो ये माँ की बड़ी कृपा है, क्योंकि इसकी पूजा बहुत ही कष्ट देने वाली है, क्योंकि एक बहुत ही रात को पूजा होती है। आधे ब्राह्मण देवता तो मुकर जाते हैं कि हम नहीं करेंगे पूजा, क्योंकि ये जे कोई सा ब्राह्मण से मड़ी सी गलती होगी चख देगी उसको, ये नहीं बख्शती किसी को नहीं। ये ऐसी देवी है, ऐसी माँ शक्ति है, तो इसको बड़े भाव से मनाना पड़ता है। हम तो भोले हैं और खुद भोली भक्ति करते हैं माँ के आगे। ये पूजा की आज अंतिम दिवस है और रात्रि को हवन करते हैं इसका। इस टाइम देखो आपके सामने टाइम भी 12:30 एक डेढ़ बज चुका है। तो मतलब कहने का मतलब उस माँ की शक्ति से जितनी भी रात को इसका यज्ञ किया जाता है तुरंत प्रसन्न होती है, और हर चीज़ के लिए अलग अलग यज्ञ होता है इसका। शत्रु के लिए, गुप्त शत्रु के लिए, नाश के लिए, किसी के लिए, पीली सरसों किसके लिए, नीम के पत्ते किसके लिए, लाल मिर्चा किसके लिए, नमक किसके लिए, अलग अलग पूजा इसकी की जाती है। ये ऐसी पीताम्बरा माता है जो कांगड़े वाली माता भी कहते हैं, वनखंडी माता भी कहते हैं, बंगला मुखी माता भी कहते हैं। इसके नाम अनेक हैं, लेकिन जैसे यजमान जो भी इच्छा रख के पूजा करता है। देखो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इच्छा रख के पूजा ना करता हो, बहुत कम पाए जाते हैं। मतलब 99% भक्त यही कहते हैं कि हमको रिजल्ट चाहिए, और दावे के साथ 120%। तो कई बार तो हमारी भक्तों से झगड़ा भी हो जाता है कि भाई रिटर्न पे लिख के दे दूँ, एफिडेविट बना के दे दूँ। तो मतलब वो माँ की शक्ति का प्रमाण हम क्या दे सकते हैं, वो खुद देती है। जिसकी पावर से हम दिन रात चलते हैं, खा पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तो उसकी लिए अगर कोई उंगली उठाता है तो उस बंदे का काम शंका में ही रहता है। जब कोई काम में शंका होती है तो काम उलझन में आ जाता है।
जब काम भाव से होता है, निष्काम भाव, उसका रिजल्ट 120% मिलता है जी। बड़े भाव से 4 दिन पूजा हुई, 5वें दिन आज यज्ञ हुआ, और बड़े ही भाव से ब्राह्मण देवताओं ने पाठ किया और 2 ब्राह्मण देवताओं ने सेवा भी की, जो खाना बनाने वाले 2-3 थी उन्होंने सेवा भी की 6 भाव से, तो उनको भी फल मिलने वाला है। क्योंकि जो भी रसोई में ब्राह्मणों को भोजन बनाता है ना जी, उसका टाइम ऐसा बदलता है कुछ टाइम बाद कि बल्ले बल्ले हो जाती है उसकी भी। क्योंकि ब्राह्मणों को मिष्ठान बड़े पसंद हैं, और जब ब्राह्मण के मुख में कुछ मिष्ठान चला जाता है ना, ब्राह्मण की आत्मा बड़ी शांत हो जाती है। और ब्राह्मणों के अंदर इतने गुण बताए गए हैं, सर्वगुण संपन्न, सारे वेद जगत गुरु ब्राह्मण बताया गया है, जितने भी वर्ण हैं सबके गुरु ब्राह्मण बताए गए जी। और ब्राह्मण के चरणों को क्यों नमस्कार करते हैं हम, क्योंकि ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी का निवास करता है। तो इसलिए ब्राह्मण देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जाप किया, पूजा की, जितना हमारे लिए टाइम निकाला। देखो समय ही भक्त के अनुसार जो भी हुआ सब माँ की कृपा से हुआ, हम किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन माँ ने मिलाया, और माँ ने ऐसे मिलाया कि इंसान लाइफ टाइम के लिए चले। तो इसलिए माँ मंगलामुखी से ध्यान करते हुए जी, थोड़ा तेल ज़्यादा डाल दो जी इसके अंदर, हाँ ऐसे घुमा दो, डाल दो डाल दो, कोई बात नहीं। हाथ बचाना ऊपर दे। जय महामाई, जय माता रानी, बस जी बस, चलो डालो जी होती। ओम हरिंग मंगला मुखी सर्वदुष्टा नाम वाच्य मुखम पद्म संभे जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग मंगला मुखी सर्वदुष्टा नाम वाच्य मुखम पद्म संभे जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग मंगला मुखी सर्वदुष्टा नाम वाच्य मुखम पद्म संभे जियाम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग मंगला मुखी सर्वदुष्टा नाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पद्म संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पद्म संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पद्म संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्ट नाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाश ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा। ओम हरिंग बंगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम संभय जियम किले किले बुद्धि विनाशाय ओम हरिंग फट स्वाहा।